साथियों, भगवान शिव शंकर के पास त्रिशूल, डमरू और नाग ये कहां से आए हैं? भगवान शिव शंकर को ये कहां से मिले हैं? इन सभी का जो वर्णन है इस कहानी के माध्यम से हम सुनने की कोशिश करेंगे। तो आइए इस कहानी का वर्णन किस प्रकार से हम सभी मिलकर सुनते हैं। साथियों, भगवान शिव का ध्यान करने मात्र से मन में जो एक छवि उभरती है वो एक वैरागी पुरुष की है। इनके एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे हाथ में डमरू, गले में सर्पमाला, सिर पर त्रिपुंड चंदन लगा हुआ है। तो आइए सबसे पहले शिवजी भगवान के पास जो त्रिशूल है इसका वर्णन किस प्रकार से। भगवान शिव सर्वश्रेष्ठ सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता हैं, लेकिन पौराणिक कथाओं में इनके दो प्रमुख अस्त्रों का जिक्र आता है, एक धनुष और दूसरा त्रिशूल। भगवान शिव के धनुष के बारे में तो यह कथा है कि इसका आविष्कार स्वयं शिवजी ने ही किया था, लेकिन त्रिशूल कैसे इनके पास आया इस विषय में कोई कथा नहीं है। माना जाता है कि सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मानाद से जब शिव प्रकट हुए तो साथ ही रज, तम, सत यह तीनों गुण भी प्रकट हुए। यही तीनों गुण शिवजी के तीन शूल यानी त्रिशूल बने। इनके बीच सामंजस्य बनाए बगैर सृष्टि का संचालन कठिन था, इसलिए शिव ने त्रिशूल रूप में इन तीनों गुणों को अपने हाथों में धारण किया। इसके बाद साथियों, शिव भगवान के डमरू के बारे में किस प्रकार से वर्णन है। भगवान शिव के हाथों में डमरू आने की कहानी बड़ी ही रोचक है। सृष्टि के आरंभ में जब देवी सरस्वती प्रकट हुई तब देवी ने अपनी वीणा के स्वर से सृष्टि में ध्वनि जो जन्म दिया, लेकिन यह ध्वनि सुर और संगीत के विहीन थी। उस समय भगवान शिव ने नृत्य करते हुए 14 बार डमरू बजाए और इस ध्वनि से व्याकरण और संगीत के दंड ताल का जन्म हुआ। कहते हैं कि डमरू ब्रह्मा का स्वरूप है जो दूर से विस्तृत नजर आता है, लेकिन जैसे जैसे ब्रह्मा के करीब पहुंचते हैं वह संकुचित हो दूसरे सिरे से मिल जाता है और फिर विशालता की ओर बढ़ता है। सृष्टि में संतुलन के लिए इसे भी भगवान शिव अपने साथ लेकर प्रकट हुए थे। इसके बाद शिव के गले में विषधर नाग का वर्णन आप सुनिए। भगवान शिव के साथ हमेशा नाग होता है। इस नाग का नाम है वासुकी। इस नाग के बारे में पुराणों में बताया गया है कि यह नागों के राजा हैं और नागलोक पर इनका शासन है। सागर मंथन के समय इन्होंने रस्सी का काम किया था जिससे सागर को मथा गया था। कहते हैं कि वासुकी नाग शिव के परम भक्त, इनकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिवजी ने इन्हें नागलोक का राजा बना दिया और साथ ही अपने गले में आभूषण की भांति लिपटे रहने का वरदान दिया। इसके बाद शिव के सिर पर चंद्र का क्या महत्व है? साथियों, शिव पुराण के अनुसार चंद्रमा का विवाह दक्ष प्रजापति की 27 कन्याओं से हुआ था। ये कन्याएं 27 नक्षत्र हैं। इनमें चंद्रमा रोहिणी से विशेष स्नेह करते थे। इनकी शिकायत जब अन्य कन्याओं ने दक्ष से की तो दक्ष ने चंद्रमा को 6 होने का शाप दे दिया। इस शाप से बचने के लिए चंद्रमा ने भगवान शिव की तपस्या की। चंद्रमा की तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी ने चंद्रमा के प्राण बचाए और उन्हें अपने शीश पर स्थान दिया। जहां चंद्रमा ने तपस्या की थी वह स्थान सोमनाथ कहलाता है। मान्यता है कि दक्ष के साप से ही चंद्रमा घटता बढ़ता रहता है। तो साथियों, इस प्रकार से भगवान भोलेनाथ को त्रिशूल, डमरू, नाग और चंद्र ये सभी किस प्रकार से इन्हें विरासत में मिले हैं, इन सभी का वर्णन हम सभी ने इस कहानी के माध्यम से सुना है। आज की हमारी कहानी कुछ इस प्रकार से रहेगी। इसके बाद हम फिर से एक नई और अच्छी शिक्षाप्रद कहानी में फिर से हाजिर होते हैं। तब तक के लिए सभी का धन्यवाद।